रविकांत चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज आपको बताने वाला हूँ ब्रेस्ट मिल्क के बारे में। बहुत सी माताएं शिकायत रहती है कि दूध कम होता है, क्या करें जिससे कि दूध एडिक्वेट अमाउंट में बने। और दूध कम होने की वजह से कई बार फिर वो बोतल से ऊपरी दूध पिलाते हैं, फार्मूला फीड कराते हैं या कुछ और पिलाते हैं, जिससे बच्चे बार बार बीमार रहने लगते हैं। तो कोशिश ये करिए कि बच्चे को माँ का दूध मिले। अगर माँ का दूध कम होता है तो उसके कुछ जान लेते हैं सॉल्यूशंस क्या आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में कम अमाउंट में दूध आता है तो उस समय डिस्करेज नहीं होना है। अगर बहुत ही कम अमाउंट में दूध आता है तो भी बच्चे को दूध से लगाना है। ये एक साइकिल होती है, जैसे जैसे बच्चा सकिंग करना शुरू करता है ऐसे ही मिल्क प्रोडक्शन भी धीरे धीरे अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है। तो इसमें हतोत्साहित नहीं होना है कि दूध कम आ रहा है तो बच्चे को दूध से हटा दें। अगर 2-4 चम्मच के बराबर भी दूध आ रहा है तो बच्चे को माँ के दूध पे लगाना है, इससे दूध का अमाउंट अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरी बात कि माँ के खाने पीने का बात कर लेते हैं। कम से कम दिन में 6 डाइट मदर को लेनी होती है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, सुबह शाम को कुछ हल्का फुल्का नाश्ता, इसके अलावा दोपहर का खाना, रात का खाना और 2 एक्स्ट्रा डाइट। कुल मिला के दिन भर में 6 बार मदर्स को जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, ऐसी माताओं को दिन में 6 खुराक कम से कम खाने की लेनी होती हैं। खाने में क्या खाना है, देखिए लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है। जो सब्जियां आप लेते हैं वो तरी वाली ग्रेवी वाली लेनी है। विभिन्न प्रकार के आप दालें खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 गिलास दूध सुबह शाम पी सकते हैं या जूस पी सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, लिक्विड अमाउंट आप जितना ज़्यादा लेंगे मिल्क प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा। मदर्स को एंजाइटी भी अपनी कम करनी होगी, जितना आप टेंशन में रहते हैं उतना ही दूध कम होता है। तो कोशिश ये करिए कि हैप्पीनेस आपके दिमाग में रहे, आप प्यार मोहब्बत से रहेंगे बच्चे के साथ, बच्चे को प्यार से गोद में उठाएंगे तो अपने आप ही मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। और आप अपना दिमाग भी बिल्कुल कूल रखिए, शांत रखिए, टेंशन अपने दिमाग से दूर रखिए। कम से कम 6 घंटा 24 घंटे में सोना जरूरी होता है। आप 6 घंटे अगर आप नींद लेते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट आता है, मिल्क प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ने लगता है। इसके अलावा आप कैल्शियम का सप्लीमेंट ले सकते हैं। कैल्शियम की गोली अगर आप खाते हैं, आपके डॉक्टर जब बताते भी हैं कि आप बच्चे को दूध पिलाते तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, तो कैल्शियम आयरन की गोलियां खाइए। अगर मदर एनीमिक है तो आयरन भी खाना जरूरी है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो है वाटर, आप कितना पीते हैं इन आपका, आप दिन भर में कितना पानी पीते हैं, ठीक है। शरीर का अपना नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, उसमें कुछ पानी उसमें भी कंज्यूम होता है नॉर्मल शरीर की अपनी क्रियाओं में कुछ। तो उसमें अगर आप पानी की कमी कर देंगे तो फिर वो मिल्क प्रोडक्शन पे असर आने लगता है। तो कम से कम 24 घंटे में 8 से 10 गिलास पानी अगर दूध पिलाने वाली महिलाएं पिएंगी तो दूध की कमी नहीं होगी। अक्सर मेरे पास जो इस तरह की कंप्लेन लेकर के आती हैं मदर्स, वो सारी चीज़ें बता देते हैं कि हम ये खाना भी खाते हैं, 6 बार खाना भी खा लेते हैं, ये भी खा रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं, कैल्शियम भी ले रहे हैं और हम 1 गिलास दूध शाम को पी लेते हैं। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ पानी कितना पीते हैं बहन जी, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हम 2-3 गिलास पानी पीते हैं। तो जो आपने जितना एफर्ट पहले जिस चीज़ों में कर लिया वो सारा बेकार हो जाता है अगर आप पानी सही खुराक में नहीं लेते हैं। तो कम से कम 8-10 गिलास अगर 24 घंटे में पानी का पीते हैं तो मिल्क प्रोडक्शन अपने आप ही एडिक्वेट हो जाता है। इसमें आप ये एक बना सकते हैं रूल कि हर 2-3 घंटे में आपको 1 गिलास पानी पीना है। 2-3 घंटे में अगर आप 1 गिलास पानी पियेंगे तो दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 6-7 गिलास आप पानी आराम से पी लेंगे। ऐसी कंडीशन में फिर मिल्क का प्रोडक्शन अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मिल्क प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं आएगी, आपके बच्चे को उचित मात्रा में खुराक मिलेगी, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा और आपको भी बेनिफिट होगा। जो देखिए जो मदर्स अपना दूध पिलाती हैं बच्चे को, उनको भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि वेट रिडक्शन ऑटोमेटिकली होता है। जो प्रेगनेंसी में जो वेट गेन हो जाता है वो एक्स्ट्रा फैट होती है वो कम हो जाती है अगर आप बच्चे को दूध पिलाते हैं अपना। तो आप हैप्पीनेस के साथ रहिए, प्रॉपर नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए और बहुत सारी आप अपनी समस्याएं खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं
और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ऐसी काम की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।